वाला में मारता है, क्यों जाता है मैं बाहर। मगर मुझे रोने आया शुरू से, मैंने बोला या परवरदिगार मेरी गोद में दे दिया। इनका कहना ये भी था कि पैसे कुछ देर चलते हैं लेकिन नौकरी अगर लग जाए तो खत्म हो जाएगी, यहाँ से जाके बाजार ही खत्म हो जाएगा। हमारे पड़ोसी भाई इमरान मलिक साहब जो हमारे इधरी नेबर ही है, वो भी जब सिलेक्शन होने से पहले यहाँ से इनसे रुख्सत ली, उनको पता है कि ये कैसे इनके पास दुआ है सबों के, तुम्हारा भी, इसको जो आए मेरे घर से मदद सारे अल्लाह हम सारे का दुआ दे रहे हैं इंशाल्लाह। ये भैया है, इनको सहारा है, एक ही बंदा है, पालने वाला खुदा है, बाद में ये लेकिन हमारे एक बंदा है, इसको भैया है, इसको मिलना चाहिए सहारा है। देखो वाल्डेन बीमार है, ये भी बीमार है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, और ये शुगर भी है, सारे जहाँ निकल चुके हैं। अब ये तो अल्लाह की तरफ से सारे, एक भाई ठीक है, अगर इसको नौकरी चाहिए हम मदद नहीं मांगते, हम नौकरी मांगते, चलो मदद भी देगा तो अपनी तरफ से अगर देंगे, लेकिन हम नौकरी अगर चाहिए तो वो उम्र भर तक रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं चैनल वन के साथ। अभी हम गुज्जर नगर के एरिया में हैं और गुज्जर नगर के इस एरिया में एक ऐसे परिवार से हम मिले हैं। आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो आपको सामने बच्चे दिख रहे हैं, ये तीनों बच्चे जो हैं आँखों से नहीं देख सकते, जी हाँ, ये ब्लाइंड है और आँखों से नहीं देख पाते हैं, और इनका परिवार आज एक गुहार जो है लगा रहा है, समाज से गुहार लगा रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुहार लगा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा रहा है। इन तीन ही बच्चों का जो है सोशल वेलफेयर की तरफ से जो है पेंशन चल रही है, लेकिन जो पेंशन है वो इनके घर चलाने में जो है असमर्थ है, और इनका परिवार जो आज एक गुहार लगा रहा है। इनसे बातचीत करना चाहेंगे, कब से जो है ये जो है ब्लाइंड है और कब से जो है प्रॉब्लम्स, इनको क्या प्रॉब्लम्स जो है फैमिली के अंदर आ रही, आपका नाम जानना चाहूँगा और कब से ये ये बच्चा ये जब पैदा हो गया तब से इतना कितना कसम कसम वेरिएंट है, बचपन से जन्म से तब से हमारा शक्ति है, मुसीबत है, चलना है, इधर जाना है, 10 रुपये कोई देता है, नहीं देता है, गालियां देता है, कुछ भी देता है, अपने घर से आता है, इन बच्चा का सहारा देता है, खिलाता है, अगर नहीं होता है तो इनको बेचारा क्या आँख देख सकता नहीं, इनको कौन बोलेगा क्या खाया नहीं खाया, इनका दिल करता है, इनका गर्म लगता है, इनका पसीना आता है, किसको बोलेगा, मगर अल्लाह ही क्या बोलेगा, अल्लाह ने भेज दिया हमारा गोद में, हमारा ये सारा है, हम बोलता है खुदा का, ये जब अल्लाह ताला लिखा है हमारा गोद में तो उसका दूर करना खुदा ही है, मगर लेकिन हमारा कुछ ये नौकरी मिल जाएगा, ये भैया इनका है, इसको कोई नौकरी नहीं देता है, चलो अगर इनके वजह से नौकरी तीन है ना भी ना, एक का नौकरी मिल जाएगा, हमारा उम्र चार बच्चे हैं, एक बच्चा का अगर नौकरी मिल जाएगा, इनको देखभाल करेगा, पालेगा, तो ये खिलाएगा, हम मर जाएगा कल, मुझे 3-4 बीमारी है, इसका अबू का है, 2 ऑपरेशन आया, दान निकल गया, इसको न हिम्मत कमाए का कुछ, आज तक कमाया खाया बेसहारा है, अब देखेगा अल्लाह सहारा देने वाला। क्या क्या नाम है इनके? एक का नाम इसका मोहम्मद आरिफ साहब, आँखों से भी नहीं दिखता है, आँख से नहीं दिखता है, सुनाई देता, बोल बात कर, बोल सकते हैं, सुनाई नहीं देखता है, आँख से रोशनी है, सुनाई देता है। क्या नाम है? आरिफ। आपका नाम क्या? गौहर अहमद शेख। मेरा नाम सजाद अहमद शेख। तो मतलब किसी पॉलिटिकल लीडर के पास गए या किसी के पास पहले एडमिनिस्ट्रेशन में गए आपने बात? सारे लीडर मैंने छानबीन कर छोड़ दिया, मैंने अल्लाह का सहारा, मुझे धक्का देता है, ये सिक्योरिटी लाना, इनको बाहर निकालना, सिक्योरिटी लेकर आता है, मैं रोता है, फिर घर में पहुंचता है, मैंने बोला मेरे अल्लाह ने पैदा किया मेरे गोद में, मगर ये धक्का देता उधर से नहीं जाना है, मुझे अंदर से बहुत दुख आता है, वापस आता है घर में रो रो के, क्या करना है, कोई रीडर नहीं सुनता है, बोला जाओ अल्लाह इनको सिक्योरिटी आओ,
मर्द के लिए बोलता आ जा जल्दी आओ, इसको बाहर निकालो, इसके क्यों भेजा, क्या काम है। वो सिक्योरिटी वाले आता है तो वो पकड़ कर लेता है, खींच कर लेता है मैं बाहर। मगर मुझे रोने आया शुरू से, मैंने बोला या परवरदिगार मेरी गोद में दे दिया अल्लाह ने तो सारा कुछ नहीं दिया, तीन है, अगर एक होता है तो कुछ पालेगा, कुछ करेगा। तब मैंने बोला एक दफा इधर है ना ये क्या तमीज, क्या वो नाम फारूक साहब के पास गया, वो चेयरमैन था। एक मैं गया उधर उसके पास गया, उधर ये है मेरे पास खुदा है गवाह कि लेकिन उसने सिक्योरिटी लाया मेरे लिए, जो इसको बाहर निकालो। मैं घर में नहीं बोला, मैंने बोला मैं मारता है क्यों जाता है, ये ना देता है कुछ, तुम्हारा ये कुछ नहीं देता है तो ये सिक्योरिटी लाता है क्यों जाता है, खुदा मांगो, खुदा भूल गया, अल्लाह से मांगो। मैं जाता तब से जाता, मैं इसको भी नहीं बताता, इसको भी बता, मैं जाता है ना मुझे नौकरी दे, मुझे कुछ दे मदद के, वो उधर से गालियां देता है तो रो रो के घर आता है। तो उसने दो तीन बार गया मैं उधर से, मैं बोला मैं मारेगा, बोला मरो उधर से जाओ, इधर बाहर बोलो, इधर क्या आता है मेरे पास, इधर मुझे कुछ ना नौकरी ना कुछ, जाओ उधर जाओ। तो हुकूमत नहीं है तो क्या करना, अगर इसका नौकरी मिल जाएगा वरना हम मर जाएगा तो सहारा मिल जाएगा, अगर मदद भी खुदा ताकि मदद भी कर सकते हैं उनका भी अल्लाह देगा, हमारा दुआ है सबों के, तुम्हारा भी, इसको जो आए मेरे घर से मदद सारे अल्लाह हम सारे का दुआ दे रहे हैं इंशाल्लाह, आप भी बजा हो जाएगा, मगर मेरे बच्चा का ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं कि आंसू जो है यही पुकार कर रहे हैं कि हमें मदद चाहिए, और मदद में ये कह रहे हैं कि आप जो है हमारे बड़े भाई को जो है जॉब जो है दे दो। इनसे भी बातचीत कर रही हैं, आपका नाम क्या, आप क्या बताना चाहेंगे? सुजात साहब आप क्या बताएंगे? सुजात साहब नाम है मेरे, क्या बताएंगे? बस यही कहना चाहता हूँ जो आपके सरकार की तरफ से जो मदद करते हैं वो तो कर ही सके, लेकिन इसके अलावा यही अगर इसकी नौकरी मिल जाए, आपको पता ये बेरोजगार है, ये काफी हमें पाले, हमें भी सहारा हो जाए, तो क्योंकि वालिदैन के बाद तो आपको पता है इसी के ऊपर हमें नजर है, तो इसकी शादी भी हुई है, बच्चा भी है, अपना बच्चे पालेगा तो हमको पालेगा, जब इसको खुद नहीं होगा तो हमें क्या करेगा, तो बच्चों को क्या करेगा। बस तो ये मांग कर रहे हो कि जॉब होनी चाहिए, इनको नौकरी जरूरी कि बहुत फार्म भरे, कोई ऑर्डर नहीं आया, कोई जॉब नहीं आया, अगर नौकरी मिल जाएगी तो परमानेंट नौकरी, वो तो मरते दम तक सहारा रहेगा। आप देखे जो बोला इन्होंने भी यही बोला, हम भी बस यही रिक्वेस्ट है, बस नौकरी तो नौकरी की जो है ज्यादा डिमांड इसलिए हो रही है क्योंकि इनका कहना ये भी था कि पैसे कुछ देर चलते हैं लेकिन नौकरी अगर लग जाए तो यहाँ से जाके बाजार ही खत्म हो जाएंगे, वो तो क्या आता है बता, अगर पेंशन लगा ले तो सारा मिल जाएगा, लेकिन पेंशन जो मिलती है वो कुछ नहीं, क्या आता है, अगर वो भी लगा सकते वो भी लगा सकते। मुझे 2000 का दवाई आता है, तीन चार बीमारी, मुझे शुगर है 5 से ऊपर, तो हार्ट का पाए ब्लॉक है और पथरी है पिता में, ये गला बैठ गया तो, मगर ये पता नहीं कब आएगा मौत, तो मगर इनका छोड़ कर जाएगा, अगर इनको सारा भाई का मिल जाएगा तो अब मुझे रो रो के नहीं जाएगा, मुझे खुशी से जाएगा अंदर से कब्र में, मगर लेकिन इनका सारा मिल जाएगा। मैं थक गया, लोगों के पास जाता है नौकरी दे, उधर मारता है, उधर गालियां देता है, बोला आजा, इनको धक्का देता है तो बाहर निकालता है, लेकिन अगर इसको नौकरी चाहिए हमारा चलो सारा वाला अल्लाह देगा, ये बेसारा है, कौन पालेगा, ना आगे ना पीछे ना कुछ, आसमान से गिरे नीचे से दाब लगे, बस परेशानी हो गया। अब आज तक हिम्मत है पालता है, मुझे हिम्मत कुछ नहीं है, तीन चार बीमारी है, मुझे हिम्मत नहीं, बाहर जाता है उधर रो रो के अंदर आता है, मगर क्या करना है, इनके वजह से जाता है, थक जाता है तो हाँ रास्ते में बैठ जाती, जब इसको पसीना आ जाता थक जाती, फिर हम इसको बोलते हैं दर्द है मुझे, फिर हम बोलते हैं इसको मत जाओ बाहर, एक भाई ठीक है ये जाएगा, दूध भी यही लाएगा, सब्जी भी यही लाएगा, तुम मत आप जाओ, आपको हिम्मत नहीं है, फिर ये भी ये मानती नहीं, मुजरी जाता है उधर आता है कुछ नहीं, मुजरी नहीं बनता है, इसको मुजरी अगर होता है दिन निकालेगा करेगा, मगर मुजरी भी नहीं बनता। तो आप देख सकते हैं कि समाज
क्योंकि ये भी हमारे समाज का हिस्सा है और हर कोई लोग जो है हमारे समाज का हिस्से होते हैं और सब बराबर नहीं होते और कहीं ना कहीं जो लोग सही हैं, जो लोग किसी की मदद कर सकते हैं वो ज़रूर मदद करें क्योंकि इस परिवार को जो है मदद की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर से गवर्नमेंट से जो है ये आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो है इनके बड़े भाई को जो है जॉब मिले ताकि क्योंकि इन्होंने जो है ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की है और अभी तक जॉब के लिए अप्लाई किया? जी एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन की है लेकिन मैंने बड़े फॉर्म भरे हैं लेकिन चलो फॉर्म भरे हैं मैंने अभी किसी में कुछ निकला नहीं है लेकिन अगर गवर्नर से मेरी यही अपील है कि मुझे जॉब दी जाए ताकि मैं अपने भाइयों को सहारा बन सकूं क्योंकि माँ बाप बेचारे बुजुर्ग हैं बीमार हैं तो ये बेचारे आपको कैसे पढ़ाया इन्होंने इसी के बीच में मुसीबत ये बेचारे ने सख्ती उठाई है मुसीबत उठाई है पता नहीं क्या क्या किया बेचारे ने मेरे लिए मुझे तो मेरे तो बोल नहीं सकता कि इन्होंने मेरे लिए क्या किया है और मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन यहाँ तक पहुँचाने के बाद सरकार को देख लेना चाहिए कि अब ये बेचारे मैं इस काबिल तो नहीं हूँ लेकिन ये इस काबिल तो नहीं है लेकिन अगर ये ठीक होते ये तीन भाई ये दुनिया को मदद करते लेकिन अल्लाह ने इनको ऐसे ही बनाया तो अब मैं हूँ ठीक तो मैं इनकी परवरिश कर सकता हूँ। लेकिन तब जब सरकार मुझे पीछे से सपोर्ट करे तो सरकार को चाहिए कि इन जैसे लोगों की सपोर्ट करे इनके भाई मेरे भाइयों की सपोर्ट करे क्योंकि जो इनकी पेंशन मिलती है वो 300-400 रुपये मिलती है उससे इनका कुछ बनता नहीं है। इनको इसको अस्थमा की प्रॉब्लम है भाई को इस दूसरे को इसको तो इतनी फंगल इन्फेक्शंस बहुत है इसको इतनी 2000-1500 की दवाई आती है इसको भी ज़्यादा आती है तो उनसे कुछ नहीं बनता है। लेकिन और मेरी ये है कि जो जो भाई है तीनों हैं ये अल्लाह ने इनको एक सलाह दी है कि ये जो दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनका इनकी वो मंशा पूरी करते हैं। इनने ऐसे मतलब ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो इनकी मदद करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे नहीं होते कुछ लोग अच्छे भी हैं इस दुनिया में जिनकी वजह से ये दुनिया भी चल रही है। हमारे पड़ोसी भाई इमरान मलिक साहब जो हमारे इधर ही नेबर है वो भी जब सिलेक्शन होने से पहले यहाँ से इनसे रुख्सत ली उनको पता है कि ये कैसे इनके पास आए हाथ मिलाया बोला भाई मेरे लिए दुआ करना मैं जा रहा हूँ तो इन्होंने भी दुआ की अल्लाह ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचाया लेकिन उसकी भी अपनी मेहनत है। हम चाहते हैं कि वो अच्छी तरह से अपने कंट्री का नाम रोशन करे और इंडिया टीम में जल्दी से जल्दी उसको सिलेक्शन मिल जाए। चलो अच्छी बात। तो आपको मैं ये बता दूं कि भाई की जो है रिक्वेस्ट सभी यही कर रहे हैं कि इनको जॉब लगे और ताकि जॉब करने के बाद ये जो है अपने भाइयों की मदद कर पाएँ और अपने भाइयों को जो है खर्चा उठा पाएँ क्योंकि खर्चा इनका बहुत ज़्यादा है बीमारियाँ जो है सभी को हैं और यही सब चीज़ें जो है ये डिमांड कर रहे हैं और ये परिवार जो है गुजर नगर के एरिया में रहता है। आप सभी लोग जो भी लोग इसको देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को और अगर आप मदद करना चाहते हैं एक अच्छे समाज सेवक बनना चाहते हैं या आपको इस परिवार की चिंता है तो आप ज़रूर दिए गए फ्लैशिंग जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं जो अकाउंट नंबर्स उन अकाउंट नंबर पे आप जो है पैसा डाल के ज़रूर इनकी मदद कर सकते हैं। तो आप सुरेंद्र परिहार को दीजिए इजाज़त चैनल वन के साथ आप बने रहें। तो हमारे साथ में अयूब साहब हैं जो यहाँ के सिविल सोसाइटी वेलफेयर के जो हैं प्रेसिडेंट हैं तो इनके साथ बातचीत करेंगे। सर मुझे ये बताएं कि ये परिवार क्योंकि इन्होंने ही हम तक जो है हमें कॉल किया और इन्फॉर्मेशन दी कि आप जो है यहाँ पर आएँ क्या हालत है कब से है और क्या कहेंगे लोग? सर इनकी जो हालत है स्टार्टिंग से यही है क्योंकि ये तब छोटे छोटे एक एक साल के डेढ़ डेढ़ साल के ये बच्चे थे जब ये गुजर नगर में आए थे तो इनकी मदर और फादर उस वक्त जवान थे तो इनमें बड़ी मेहनत मजदूरी की मदरसों में काम किए मस्जिदों में काम किए मतलब मजदूरी से बच्चों को पाला और इज्जत से पाला इन्होंने। ये नहीं किसी के आगे हाथ फैलाए पे हमें ये बच्चे हमारे अंधे हैं तो इनको मदद की ज़रूरत है नहीं मतलब अपने जितना उनके में दम था उन्होंने किया। आज बेचारे वो बुजुर्ग हो चुके हैं आज हमारा फ़र्ज बनता है इनकी मदद करना। मदद इस तरीके की चाहिए क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक हम अपील करते हैं ये चार भाई हैं तीन अंधे हैं तो एक ही भाई है वो ग्रेजुएट है उस वही इनका सहारा है क्योंकि खुद भी शादीशुदा है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारा बोझ है क्योंकि माँ बाप बीमार हैं बच्चे भी बीमार हैं बच्चे भी ठीक नहीं हैं किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है किसी को दमे की अस्थमा की प्रॉब्लम है तो यही हम अपील करते हैं आज मोहल्ला वेलफेयर कमेटी गुजरनगर की तरफ से एवरग्रीन मुस्लिम ट्रस्ट की तरफ से ज़्यादा मदद की जाए और जो हमारा ट्रस्ट है एवरग्रीन मुस्लिम ट्रस्ट आज से हमने ये फैसला किया
पर बच्चे को 500 रुपया पर मंथ हम देंगे, 1500 रुपया मतलब कमेटी की तरफ से जो एवरग्रीन मुस्लिम ट्रस्ट है उसकी तरफ से हमने आज लगा दिया, इनको हर महीने में 1500 रुपया महीने का भी पहुंचा करेगा। और जितने भी जो लोग हैं मतलब मदद करने वाले लोग आगे बढ़ चढ़ कर आएँ, इनकी मदद करें, क्योंकि काफ़ी मजबूर फैमिली है इस वक्त। इनको इस वक्त राशन की भी इतनी किल्लत है मैं क्या बताऊँ, क्योंकि किसी वक्त मुझे नहीं लगता ये दो टाइम खाना खाते होंगे, या तो चाय से ही गुजारा करते हैं। इस वक्त इनकी माली हालत बहुत कमज़ोर है, तो सब भाइयों से मैं यही अपील करता हूँ इनकी मदद की जाए, खुल के मदद की जाए इनकी। तो गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं, गवर्नर साहब अगर कोई नेक काम करना है, अच्छा काम करना है जम्मू कश्मीर में, इससे अच्छा काम कोई भी नहीं आपको नज़र आएगा। क्योंकि जिसके तीन बच्चे अंधे हों तो माँ बाप बूढ़े हों तो एक ही भाई का सहारा हो, तो यही हमारी अपील है कि इस बच्चे को नौकरी दी जाए जिससे ये तीन बच्चों को पालने वाला बन जाए। अयूब साहब का भी कहना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो, लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एलजी मनोज सिन्हा सर भी जो है वो इसके बारे में देखें और सोचें। जो इनका भाई है क्योंकि ग्रेजुएट है, और अगर उनको नौकरी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं अपने भाइयों के लिए जो है सहारा बनेंगे। तो आप बने रहें चैनल 1 के साथ, दीजिए इजाज़त।